नॉलेज ऑफ साइंस में आज आप सबका स्वागत है। नॉलेज ऑफ साइंस के इस लेक्चर में हम जानेंगे एक आम के रोग के बारे में, जो है एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज डिजीज का जो काजल ऑर्गेनिज्म है वो कोलेटोट्राइकम ग्लायोस्पोरियाइड्स है, जो कि इसका एनामॉर्फिक स्टेज है। टेलोमॉर्फिक स्टेज इसकी ग्लोमेरेला सिंगुलाटा है। इसके इतिहास को जाने तो इसको सबसे पहले सत्तार और मलिक ने 1939 में पंजाब के कई डिस्ट्रिक्ट से ऑब्जर्व किया था। अब समझे इसके सिम्टम में, तो सिम्टम ये देख सकते हैं आप। इसका सिम्टम पत्ती पे अगर आप देखेंगे तो ओवल शेप का ब्राउन से ब्लैक स्पॉट देखने को मिलेंगे, और ये जो ब्राउन से ब्लैक स्पॉट है इसके तरफ चारों तरफ आपको येलो हालो एक पीला कलर देखने को मिलेगा। और जो यंग पत्तियां हैं वो ज़्यादा इस डिजीज के प्रति ससेप्टेबल रहती हैं, एंथ्रेक्नोज के प्रति। बाद में ये जो स्पॉट हैं, ओवल शेप के स्पॉट, ये आपस में कोलेक्स करेंगे और पूरी पत्ती ब्लाइटेड कंडीशन में हो जाएगी, पूरी पत्ती आपको मुरझानी दिखाई देगी। इन वजह से ये जो पत्ती का कोलेप्स होना और ये ओवल शेप का स्ट्रक्चर बनना, इनके वजह से ये पत्ती है, जैसे मान लो यहाँ पर एक सूट होल, ऐसा लगेगा कि यहाँ से पूरा ये जो रप्चरिंग के कारण यहाँ का पूरा मैटर निकल जाएगा और सूट होल अपेयर होगा, तो इसको बोलते हैं सूट होल अपेयरेंस। इस रोग के सिम्टम आपको पेनिकल पे यहाँ देख सकते हो, और पेनिकल के अलावा फ्लावर और फ्रूट पे भी देखे जा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ और यहाँ देख सकते हो। ब्राउन से ब्लैक कलर के स्पॉट ट्विग्स पे देखे जा सकते हैं, यहाँ देख सकते हो ये ट्विग्स जो है ये हरा है, जबकि ये जो है ये ब्राउन से ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। स्मॉल ब्राउन कलर का स्पॉट आपको जो फ्रूट है उस पे देखने को मिलेगा इनिशियली, यहाँ पर देख सकते हो छोटे छोटे आपको सिम्टम देखने को मिल रहे हैं ब्राउन कलर के स्पॉट, पर बाद में ये इनलार्ज करेंगे और फिर क्या है, ज़्यादा बड़े सिम्टम, ज़्यादा बड़े स्पॉट बनाएंगे। और ये जो स्पॉट है आपको, ये जो इंड होता है ना जहाँ से मैंगो लगा होता है, उस इंड से ये नीचे की तरफ फैलना शुरू होते हैं। देख सकते हो ये पूरी तरीके से फैला है, पूरी तरीके से इन्फेक्टेड एरिया है, और यहाँ पर जो है कम इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है, कम स्पॉट फ्रूट पे दिखाई दे रहे हैं। जो इन्फेक्टेड फ्रूट है वो प्रीमेच्योरली गिर जाता है, मतलब कि पकने से पहले गिर जाएगा, संभावना ये होती है। और अगर लेटेंट पीरियड में इन्फेक्शन छिपा रह गया, लेटेंट पीरियड क्या होता है, इन्फेक्शन होने के बाद सिम्टम नहीं दिखा, तो उस पीरियड में अगर हम आम को तोड़ लेंगे तो ये फल जब हम स्टोरेज में ले जाएंगे तो वहाँ पर ये सड़ जाएगा। तो ये कुछ इसके एंथ्रेक्नोज के प्रमुख सिम्टम हैं। अब समझते हैं इसके इटियोलॉजी के बारे में। तो इटियोलॉजी में दो प्रकार की इसमें एसेक्सुअल स्टेज और सेक्सुअल स्टेज दोनों पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे एनामॉर्फिक एसेक्सुअल स्टेज के बारे में। इसमें जो फंगल कॉलोनी है ये वाइट डर्टी डार्क ब्राउन से ब्लैक कलर की होती है। इसका जो हाइफा है ये एरियल सेप्टेट, एरियल का मतलब ये है आउटवर्ड ग्रो करेगा, और जो होस्ट सरफेस है उसे बाहरी सतह की ओर ग्रो करेगा और एरियल हाइफा बनाएगा। हाइफा जो है सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट मतलब सेप्टा बना के, और वो सेल को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करेगा और ब्रांच्ड होगा। एसरुलाई जो है, एसरुलाई हेमी स्फेरिकल या कॉनिकल शेप की स्ट्रक्चर होती है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये यहाँ अगर इसको कुछ इस प्रकार से कर दिया जाए, ये प्रारूपिक नहीं है, ये रेफरेंस के रूप में हम यूज कर रहे हैं, इस प्रकार से अगर कर दिया जाए तो ये कॉलोनिकल शेप का, कॉनिकल शेप का हो जाएगा। तो ये इसका एसरुलाई है, और एसरुलाई में
क्या होता है सीटी। तो सीटी जो है, सीटी जैसे ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कोनिडियोफोर और ये कोनिडियोफोर, इसके बीच में एक सीटी पाई जाएगी, एक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं सीटी। ये दो कोनिडियोफोर को सेपरेट करने का काम करती है। तो सीटी डार्क ब्राउन से ब्लैक कलर की होती है और ये फ्ली फॉर्म मतलब कि पतली धागे नुमा होती है और सेप्टेट, और जो इसका बेस है यहाँ पर ये देख सकते हो, जो इसका नीचे का हिस्सा है सीटी का वो मोटा होगा, जबकि ऊपर का जो हिस्सा है वो टेपरिंड अर्थात पतला सिरा होगा। ये मोस्टली ट्विग्स पे आपको सीटी देखने को मिलेंगी एसर वुलाई में। कोनिडियोफोर जो है वो सिंपल होता है और छोटा होता है, हाईलाइन से ब्राउन कलर का होता है और सीनोसिटिक होता है। सीनोसिटिक मतलब एसेप्टेट, इसमें सेप्टेशन नहीं होगा। ये देख सकते हो आप, इसमें ये जो कोनिडियोफोर आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे कोनिडियोफोर, इनमें सेप्टेशन नहीं है। और ये देखो, ये इतने छोटा और ये यहाँ से यहाँ, तो ये छोटे छोटे कोनिडियोफोर होते हैं, हाईलाइन से ब्राउन कलर के होते हैं और इसमें सेप्टेशन नहीं होता है। इसी के ऊपर हाईलाइन कलर के, और जब ये मास कोनिडिया आपस में मिलके मास बना लेते हैं तो उसका कलर जो है पिंकिस दिखाई देगा। और ये यूनिसेलुलर होते हैं, ओवल, और जो ओवल राउंड जो है इंड पे ओवल राउंड शेप का आपको दिखेगा। यहाँ पर जो ऊपर का ये सत्ता है यहाँ पर राउंड दिखेगा। तो ये हो गया इसका कोनिडिया के बारे में। और एपरिसोरियम, ये कोनिडिया जो है, कोनिडिया जर्मिनेट करता है और जर्म ट्यूब बनाता है और इन्फेक्शन को फैलाने का काम करता है, क्योंकि इनसे इन्फेक्शन पैक बनता है और ये न्यूट्रिएंट प्राप्त करता है। अब समझते हैं इसके दूसरे स्टेज के बारे में, टीलोमॉर्फिक या फिर सेक्सुअल स्टेज के बारे में। इसमें पेरिथीसिया बनता है, जो स्ट्रोमेटिक कुशन होता है। ये एक हार्ड कुशन लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसमें फ्रक्टिफिकेशन होता है। फ्रक्टिफिकेशन स्पोर और जो ये कोनिडियोफोर्स बनने की प्रक्रिया कहलाती है। तो पेरिथीसिया जो है स्ट्रोमेटिक कुशन में बनता है और ये सब स्फेरिकल ऑस्टियोलर हेयर के रूप में होता है। ये देख सकते हो आप, पेरिथीसियम है। पेरिथीसियम में ये जो आपको दिख रहे हैं ये हेयर हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑस्टियोलर हेयर, क्योंकि पेरिथीसियम का ये जो इंड खुला हुआ होता है इसको बोलते हैं ओस्टियोल, और ओस्टियोल में ये हेयर के कारण इसको ओस्टियोलर हेयर बोलते हैं। इसमें एसआई होते हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है एसआई बने हैं। और एसआई का जो है ये सब क्लावेट और फ्यूगेसियस होता है। फ्यूगेसियस का मतलब ये बहुत कम समय के लिए बनेंगे, शॉर्ट टाइम के लिए बनेंगे, और तुरंत ये एस्कोस्पोर जो कि हाईलाइन सिंगल सेल ऑबलॉन्ग स्ट्रक्चर में होता है। ऑबलॉन्ग जो ओवल या फिर जो स्क्वायर शेप की स्ट्रक्चर होती है वो अगर लंबाई में बढ़ती है तो वो ऑबलॉन्ग शेप ले लेता है। तो इस प्रकार का ये जो आपको एसआई है, एसआई के अंदर 8 एस्कोस्पोर बनेंगे। तो ये कुछ इसके इटियोलॉजी के बारे में हुआ। अब समझते हैं इसके डिजीज साइकिल के बारे में। तो जो प्राइमरी इनाकुलम है, ये जो लीफ है, पत्तियां और ये सूखी टहनियां और जो पदा जो पत्तियां या फिर जो डेब्रिस जमीन पे गिर गए हैं वो काम करता है प्राइमरी इनाकुलम का। प्राइमरी इनाकुलम से होता है प्राइमरी इन्फेक्शन, और प्राइमरी इन्फेक्टेड प्लांट में बनते हैं सेकेंडरी इनाकुलम जो कि कोनिडिया होता है। तो यहाँ पर सेकेंडरी इनाकुलम का काम जो है कोनिडिया करता है, और ये कोनिडिया सेकेंडरी इन्फेक्शन फैलाता है। और जो फ्लावरिंग के समय प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल, अगर फ्लावरिंग के समय लंबे समय तक बरसात होती रहे तो ये जो डिजीज है ये सीवियर आउटब्रेक के रूप में देखा जा सकता है। ये इसके डिजीज साइकिल के बारे में हुआ। अब कुछ सवाल देख लेते हैं। तो एनामार्फिक और टीलोमार्फिक स्टेज जो है एंथ्रेक्नोज में क्या होती है? ऑप्शन है, पहला ग्लोमेरेला सिंगुलाटा, दूसरा है कोलेटोट्राइकम ग्लेओस्पोरियाइड्स, फिर दूसरा ऑप्शन है कोलेटोट्राइकम
ग्लायोस्पोरियाइड्स एंड ग्लोमेरुला सिंगुलाटा, तीसरा है दोनों, चौथा है नन ऑफ द अबव। आपको बताना है इसमें सेक्सुअल और मतलब कि एनामॉर्फिक एसेक्सुअल और टीलोमॉर्फिक सेक्सुअल स्टेज के बारे में। तो सही सीक्वेंस में आपको सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसका आप कमेंट सही होगा उसको कमेंट बॉक्स में सबसे टॉप पे पिन किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एसरुलाई क्या है? एसरुलाई ये एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है या फिर सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है या दोनों है या इसमें से कोई नहीं? तो बताना है कि एसरुलाई क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, कोनिडियो फोर आर, ये कोनिडिया बियरिंग स्ट्रक्चर होती है। दूसरा, कोनिडियो स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर होता है। तीसरा, दोनों। चौथा, कोई नहीं। तो बताना है ये जो कोनिडियो फोर है क्या होता है, क्या ये कोनिडियो को कोनिडिया को बियर करता है या फिर ये कोनिडियो स्पोर को बियर करता है या दोनों को बियर करता है या इसमें से कोई नहीं। चौथा क्वेश्चन है कि पेरिथीसिया क्या है, एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है या सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है या दोनों है या इसमें से कोई नहीं। पांचवा क्वेश्चन है, एप्रिसोरिया क्या है, ये न्यूट्रिएंट अब्जॉर्बिंग ऑर्गन है। दूसरा, अटैचिंग ऑर्गन टू होस्ट। तीसरा, रेस्टिंग बॉडी है। चौथा, इन्फेक्टिंग ऑर्गन है। और जो हमने इटियोलॉजी में देखा था एप्रिसोरिया और उसके अलावा जो देखा था एसरबुलाई, कोनिडियोफोर, कोनिडिया, उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो यहाँ पर लिंक होगा, इसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं एक अगले लेक्चर के साथ।